अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज थोड़ी सी लीगल हवाले से एक वीडियो बना रहे थे। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ दोस्तों के किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, स्नैच हो जाती है। इवन कि अच्छा, आप इसमें मोबाइल को भी समझ सकते हैं, या बाइक वगैरह चोरी हो जाती है, तो अमूमन लोग इसके लिए थाने जाना या थाने की ख्वारी से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, नहीं जाता। और ये बात सही है कि शरीफ बंदा जब भी उसे थाने की या कचहरी का किसी तरह का काम होता है तो उसे बहुत ज़्यादा जलालत उठानी पड़ती है, इंसाफ लेने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, तगो दव करनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मिसहैप होता है, मैं खुसूसन गाड़ी की बात कर रहा हूँ, अगर गाड़ी आपकी इस तरह मिसप्लेस हो, चोरी हो जाती है, लेकिन इसमें आप बाइक को और मोबाइल को भी ऐड कर लें, तो एटलीस्ट आपको FIR के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। अच्छा, हमारा क्या है कि हमें थाने में कोई काम होता है तो शरीफ बंदा पहले ही परेशान हो जाता है, उसकी टांगें कांपने लग जाती हैं कि यार थाने जाना होगा, मैं किसी अपने जानने वाले को ढूंढूं। और यकीन माने, आप जिस जानने वाले को ढूंढते हैं उसने आपके पैसे अगर ना भी लगते हो तो वो आपके पैसे लाजमी लगवाएगा। अगर वो उसी थाने के अंदर मुलाजिम है या वैसे ही कोई टाउट किस्म का बंदा है, तो अगर आपका कोई काम जो विदाउट पैसे हो सकता है वो आपके पैसे लाजमी लगवाएगा और आपको लगाने पड़ेंगे। आप कुछ भी ना करें, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक एप्लीकेशन। अच्छा, जैसे ही कोई वकूआ हो, सबसे पहले मैं एक टेक्निकल सी आपको बात बता रहा हूँ कि 15 के ऊपर कॉल करें। आपके पास इस चीज़ का हवाला होना चाहिए कि मैंने पास 15 की पर कॉल किया। उसके बाद एक दरख्वास्त लिखें SHO के नाम, मुतलका थाना जो भी है, जहाँ जहाँ भी वकूआ हुआ है उसके मुतलका SHO के नाम दरख्वास्त लिखें इंदराज मुकदमा की, और आप जाके वहाँ फ्रंट डेस्क के ऊपर उसे दे दें। मोस्ट प्रोबेबली हमारी पुलिस क्या करती है कि इतनी मुस्तैद नहीं है कि फौरन दरख्वास्त आएगी और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, लेकिन आपने वो दरख्वास्त देने के बाद उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेनी है। आपने फ्रंट डेस्क के ऊपर दी है तो वो आपको एक कंप्यूटराइज्ड स्लिप देंगे, वो आप लेके अपने पास रख लें। ज़्यादा उम्मीद यही है कि जो भी आपका आई होगा वो आपसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो भी आपका मुकर्रर होगा उस एप्लीकेशन के लिए, आपकी एप्लीकेशन के लिए, वो आपसे 1 से 2 दिन के अंदर रابطہ करेगा। लेकिन अगर आपको रابطہ नहीं भी करता, वो आपने आज दरख्वास्त दे दी है थाने में और आपके पास सारा बायोडाटा आ गया है, आपने स्लिप भी ले ली है, तो आप ये करें कि आप किसी भी अपने इलाके के एरिए के, आप जिस सिटी से भी हैं, किसी भी अच्छे लॉयर से बात करें और उसे कहें कि मुझे ज़ेरे दफ़ा 22A के तहत इसमें इंदराज मुकदमा के ऑर्डर्स लेके दें। मज़ीद आप सबूत के तौर पर जो आपने 15 की कॉल की हो उसकी भी आप एविडेंस, उसकी भी प्रूफ आप निकलवा लें। आपके पास वो भी एविडेंस होना चाहिए कि देखें जी, मैंने फ़लां मौके के ऊपर इस टाइम पर इस यहाँ 15 पर कॉल भी की थी और अभी तक मेरा पर्चा नहीं हुआ। अगर आपका बिल्कुल जेन्युइन पर्चा होगा तो अदालतें 22A में लाजमी ऑर्डर कर देती हैं और लाजमी पर्चा हो जाता है, FIR हो जाती है। अब ये तो हो गया चले एक लीगली प्रोसेस। लोग FIR नहीं करवाते, जस्ट ये दरख्वास्त देके और पीछे हो जाते हैं। आपकी FIR नहीं होगी तो आपका जो भी जो डाटा आपने अपनी गाड़ी का डाटा लिखा है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, उसके अंदर आपने जो हवाला दिया है वो ऑनलाइन नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी कहीं पकड़ी जाएगी और उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता कि यार ये कहाँ से चोरी हुई है, कहाँ से नहीं हुई। यानी आपका जो नेशनल डाटा इनका होता है पुलिस का, जो अब ऑनलाइन हो चुका है, कहीं से भी आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो FIR आप लाजमी करवाएँ। यही आपका असूल बाइक पर और मोबाइल वगैरह पर, इन पर भी यूज़ होता है। खुदा ना खास्ता अमूमन इस तरह भी देखने में आया कि इस तरह की गाड़ियाँ किसी भी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ऑनर बेशक आप ना हो, आपने ओपन लेटर के ऊपर गाड़ी ली हुई हो, तो आखिर पहुंचते पहुंचते पुलिस आप तक भी पहुंच सकती है और आपके लिए भी परेशानी बन सकती है। लेकिन अगर आपकी बाकायदा FIR हो गई है, अच्छा अब इसका एक और थोड़ा सा मैं पहलू आपको बता दूं। FIR पुलिस नहीं देती क्योंकि उनके अपने गले के अंदर एक फंदा सा आ जाता है, वो आराम पसंद है, सहल पसंद है, नहीं काम करते। उन्हें पता है जी FIR हो जाएगी तो उसके लिए बाकायदा बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फाइलों को खाना पूरी करनी पड़ेगी। ये इतने सहल पसंद हैं कि फाइलों की खाना पूरी करने के लिए ये लिखने के लिए भी पैसे ले लेते हैं बंदे से। लेकिन जब FIR होगी तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा, उनके गले में ढोल आ जाएगा तो बजाना तो उन्हें पड़ेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि गाड़ी रिकवर हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती, तो मुदई को राज़ी करने के लिए बंदा पकड़ते हैं ये,
अब पिछले दिनों बल्कि एक वकूआ मेरे सामने इस तरह का आया कि 80,000 की मोटरसाइकिल थी, बंदा को पकड़ा उन्होंने, जी मोटरसाइकिल तो कब की बेच बाच दी मुझे उसका तो पता नहीं है, तो 50,000 की रिकवरी डलवाई गई, फर्जी डलवाई गई, और इसे कहा गया मुदई को, जी हैं जी आप ये रिकवर कर लें, तो वो तो उस बेचारे का चले नुकसान हो गया। जस्ट ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि अगर इस तरह का आपके साथ कोई मिसहैप होता है तो आपने ये लाजमी FIR की तरफ लाजमी जाना है और उसका बाकायदा सबूत रखना है। FIR करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आपने नहीं करना। तो काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल किया था, आई होप कि उन्हें ये इसका भी जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।